मॉर्निंग गाइस। सो आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा में स्टूडेंट का लाइफस्टाइल कैसे होता है। हालांकि मेरा जो कॉलेज है वो है 4 to 9 इन द इवनिंग। सो मैं अभी उठूंगा, अभी बज रहे 9 बजे, 9 बज रहे, लेकिन अभी मुझे खाना बनाना है, पैकिंग करनी है क्योंकि जिम भी जाना है। तो सारी लाइफस्टाइल आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। गैस थोड़ा शेड्यूल नहीं बता पाया क्योंकि बिजी डे था, बट मैं आपको सारी चीज़ें रास्ते में जाते हुए बताता हूँ। घर जा रहा हूँ अभी। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो है 4 to 9, तो 4 to 9 क्लासेस हैं। अभी हमें फ्री कर देते हैं 7-8 बजे। इट डिपेंड्स अपॉन द आपकी ड्यूरेशन कितनी है। हर चैप्टर होता है, एक इंस्ट्रक्शन प्लान गिवन होता है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन प्लान हमें फॉलो करना होता है। उसमें पता होता है कि हम इस दिन कितने चैप्टर कवर करेंगे। तो आफ्टर दैट अगर आप उतने चैप्टर कवर कर लेते हो तो आपको छुट्टी हो जाती है। वो इतने ही डिपेंड करता है। चाहे आपका एक चैप्टर 1 घंटे में ख़त्म हो गया जो टीचर ने प्रोफेसर ने पढ़ा दिया, बाकी असाइनमेंट गिवेन होती हैं। अभी मेरी फ़ोटोशॉप की कुछ असाइनमेंट है वो रहती है, अभी मैंने कवर करना है। तो अभी मैं वंश के पास जा रहा हूँ, उसकी भी छुट्टी होगी, बट उसका सेक्शन थोड़ा डिफरेंट है और मैं आपको बाहर का सीन भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है ना, कि शाम भी हुई पड़ी है। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा मुझे लगता है क्योंकि थोड़ा ठंड भी है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा जो सामने है वो है कॉनेस्टोगा का रिक्रिएशन सेंटर, और जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब जहाँ मैं पढ़ता हूँ, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ATS बिल्डिंग में होती है। यहाँ IT के रिलेटेड होता है। हालांकि जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंडियंस हैं, और को लगता है शायद फॉरेनर्स की अलग क्लास होती है। और ये सारी पार्किंग होती है जो कि बहुत अच्छी है, मतलब फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। एक बस पार्किंग मैं जाता हूँ 110 एक्सप्रेस से। तो मेरा जो घर है वो आपको मैंने बताया था 20 वेलिंगटन में है। तो मैं 110 नंबर बस पकड़ के जाऊंगा। अभी मेरे फ्रेंड्स भी सामने बस स्टॉप में, वो उधर से जाएंगे, तो जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनसे भी मिलवा देता हूँ, उन्होंने मुझे देख लिया। और गर्ल्स ही हैं मोस्टली। तो अभी रिक्रिएशन सेंटर्स के पीछे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे टिम हॉर्टन्स के पास एक बस स्टैंड होता है। हालांकि मेरे फीते घुल गए, मैं अभी फीते बांध लूँ फिर थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। एक बस स्टैंड ये हमारा होता है जहाँ पे 110 नंबर, 111 नंबर, 116 नंबर सारी बस आती हैं। बिल्कुल सही। ये हमारे हैं क्लासमेट्स, और हेलो, गुड नेम बता दो। हाय हरप्रीत। और हमारे जो असाइनमेंट्स होती हैं लाइक वीकली होती हैं, तो बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा भी होती हैं, बट थोड़े पढ़ाई मैनेज करनी पड़ती है, लाइफ स्ट्रगल ही है। बट मौसम बहुत अच्छा है, यू कैन सी सनसेट, आधी आधी जगह छाँव है और आधी जगह रोशनी है। तो अभी मैं वंश के पास जा रहा हूँ, वो है रिक्रिएशन सेंटर के पीछे। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिक्रिएशन सेंटर है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जिम, जिमनास्टिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऑल ओवर स्पोर्ट कवर कर लेता है, इंडोर प्लस आउटडोर। तो मैं आपको किसी दिन रिक्रिएशन सेंटर का भी दिखाऊंगा। तो अभी लेट हो रहे हैं, बस आने वाली है, 8:24 की बस है। तो अभी हम जाते हैं, तो आपको मैं दिखा दूंगा। ओके, बाय बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स। हैं सो गाइस, ये थे मेरे एक क्लासमेट्स जिनसे मैंने आपको मिलाया। ये भी 110 नंबर बस पकड़ रहे थे। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरा जो मन था ना वो व्लॉग बनाने का बिल्कुल नहीं था, बट मेरा मोटिव ये था कि अगर चल जाएगा व्लॉग मेरा तो सही रहेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं व्लॉग नहीं करूँगा अपना। बट आप लोग इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, और नज़ारे देख सकते हो, आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो कि मुझसे रुका नहीं जाता। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये रिक्रिएशन सेंटर का आपको दिखा देता हूँ कैसे है। यहाँ जिम भी जाता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ।
ये रिक्रिएशन सेंटर का फ्रंट साइड है, तो शायद आपने मेरी स्टोरी में देखा होगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टोरीज में आपको नॉलेज मिलती रहेगी और आप मुझे डीएम कर सकते हो तो मैं आपको रिप्लाई भी दे सकता हूँ। दे नहीं सकता, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको हेल्प चाहिए तो इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प यू, क्योंकि कई बार मैंने भी फेस किया, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। लोग मजाक उड़ाते रहते कि तू कनाडा कैसे पहुंच गया, बट भाई जो आपकी किस्मत में लिखा होगा ना वही होगा। सामने बादल भी बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपने बस के तरफ। बस हर 15-20 मिनट में आती है, बट सैटरडे संडे को इसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। बस इसकी सैटरडे संडे को इसकी ड्यूरेशन 30 मिनट्स तक हो जाती है। तो अभी हमारे जो भाई हैं दिशांत भाई ने, उन्होंने आईफोन एक्सेस ले लिया। आईफोन एक्सेस उसे पड़ा $200 का, डाउन पेमेंट दी $200 की। तो आफ्टर डैट, आफ्टर $200, तो अब उसको वो $113 पर मंथ देगा। और मेरी जो वीडियो अगर आपने देखी होगी, S10 प्लस मैंने ज़ीरो डाउन पेमेंट पे ली थी, तो ज़ीरो डाउन पेमेंट के बाद मुझे $113 दो साल तक देने। फ़ोन की प्राइस वैसे $1000 है, अगर मैं फ़ोन अगर लेता $1500 का कैश दे देता और $65 का प्लान रखता 5G के सिम का, तो मुझे फ़ायदा नहीं होता। तो इसका ये फ़ायदा है कि मैं किश्तों में भर रहा हूँ फ़ोन के प्राइस, बट मुझे ज़रूरत था व्लॉग बनाने के लिए, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने के लिए। मेरा कैंपस बहुत बड़ा है वैसे, अगर आना चाहो आप डून कैंपस आ सकते हो, बिकॉज मल्टी कल्चरल है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। के दो रूट हैं, एक आप अंदर से भी जा सकते हो, एक बाहर से भी जा सकते हो। ये गेट नंबर 6 है, तो गेट नंबर 6 से भी अंदर से जा सकते हो। उधर साइड पे बना हुआ था, आपको मैंने दिखाया होगा, तो गेट नंबर 6 से भी जा सकते हो। वहाँ स्टूडेंट्स खड़े होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे बस का वेट कर रहे होंगे। जो मैं 110 वहाँ पे आपको फ्रेंड से मिलाया था, वो बस वहाँ से वहाँ भी रुकेगी और यहाँ भी रुकेगी। और हमारी जो बस की शटल भी आ गई है, एयर कॉनेस्टोगा शटल आ गई है, वो डायरेक्ट आपको कैम्ब्रिज छोड़ेगी। इसका पास बनता है $292 का, तो $292 का पास बनेगा 4 मंथ्स अनलिमिटेड कैम्ब्रिज किचनर वाटरलू, तीन जगह पर आराम से घूम सकते हो। तो अभी मैंने गिम्बल भी लेना है, बट अगर पैसे भगवान करे मेरी जॉब जल्दी लग जाए, मैं गिम्बल ले लूं, क्योंकि मेरे पेन बहुत हो रही है हाथ, तो मैं दूसरे एंगल से बना देता हूँ। तो सुबह को मैं उठा, तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपना खाना बनाया। खाने में आपको मैं ये देखो अभी भी पड़ा है खाना, मैंने खाया नहीं क्योंकि भूख नहीं लगी थी एक्चुअली। मैंने चिकन रात को बनाया था, चिकन चावल वो हो गया, पुलाव बनाए हैं, पुलाव घर पे बने, खाने का हो जाता है। अगर आपको खाना बनाना आता है आप खाना बना सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आप जॉब करने लग जाओगे ना तब आप पे कर सकते हो खाने का, टिफ़न लगवा सकते हो, बट राइट नाउ अगर आप खुद बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी डाइट आप खुद बना सकते हो और अपनी क्वांटिटी भी खुद बना सकते हो। तो ये मेरा कैंपस बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा कैंपस है। तो अभी मैं बस में जा रहा हूँ, 110 नंबर बस से, फिर भी मॉल उतरूँगा, वर्ल्ड से मिला देता हूँ आपको। तो हम 110 नंबर बस की वेट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था मैं वंश से मिलाऊंगा, ये रहे वंश। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, मैं वंश नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है, मेरा नाम जब्बा है, तो ये बहुत झूठ बोल रहा है। हाँ, जब्बे ने आईफोन एक्सेस लिया है, तो हम जाएंगे पार्टी लेने। पार्टी में हमें अभी हमने डिसाइड नहीं किया कौन सा वेन्यू है, कहाँ जाना है हमने। तो ये वंश है, आपने पिछली वीडियो में देखा था, बहुत डिमांड कर रहे थे, वंश भाई बहुत हंसाते हैं। हाँ सच में, दिखाओ कमेंट। दिखाता हूँ कमेंट, इसे दिखा दूंगा, ठीक है, ये खुश हो जाएगा। चलो अभी हम बस पकड़ के फिर बताते हैं आपको क्या होता है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि दिशांत भाई ने जैसे मैंने आपको बोला था कि मोबाइल लिया था तो थोड़ी सी पार्टी तो बनती है, तो हम पिज़्ज़ा जा रहे हैं। तो यही है मेरा लाइफस्टाइल, और आपको क्या बताऊँ, आपने जो पूछना है कमेंट में बता दीजिएगा। अभी मैं थक गया हूँ, तो आपसे बाद में बात करते हैं। चलो ओके बाय।